मांस रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए मार्ज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के मित्तल ग्राउंड के पास। आपको बता दें जिस जगह पर हम मौजूद है ये हज हाउस बनाने के लिए ये ज़मीन जो है दी गई थी, और यहाँ पर जो है अब जो अभी भरनी किया जा रहा है, और ये भरनी करने का मकसद ये है कि जो मुमरा शहर के हॉकर है उन्हें यहाँ पर शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है। आज जो है सिटी इंजीनियर रविंद्र खड़ताले और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और शमीम खान, मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी और एनसीपी के तमाम नगर सेविका और नगर सेवक यहाँ पर आए थे, और ये भरनी का काम जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। जिस तरह से रमज़ान का महीना अब आने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या मुमरा शहर में सबसे ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो हॉकर रोड पर बैठते हैं मित्तल ग्राउंड के यहाँ पर जो है शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है कि ये भरनी करने के लिए यहाँ पर मिट्टी भी डाली गई है। ऐसी जानकारी जो है शानू पठान ने हमें दी है कि यहाँ पर भरनी करके जो भी हॉकर्स हैं उन्हें यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि ये जो शिफ्टिंग है ये भी टेम्प्रोरी बेस पर उन्हें शिफ्ट यहाँ पर किया जा रहा है। जो लीगल हॉकर्स जोन की जो मांग की गई थी वो ज़मीन अभी इनके ताबे में नहीं आई है, इसलिए रमज़ान का महीना भी अब करीब आ रहा है और रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है हॉकर्स के धंधा लगाने की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि होता है, इसलिए जो है यहाँ पर सभी हॉकरों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। जल्द ही यहाँ पर शिफ्टिंग भी की जाएगी, लेकिन ऐसे में जो हॉकर्स हैं उनका भी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरह से यहाँ पर शिफ्टिंग की गई थी हॉकर्स को, तो वहाँ भी राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में जो तमाम हॉकर्स हैं उनका कहना है कि कोई भी खरीदी करने के लिए वहाँ नहीं आता है, लेकिन अब जिस तरह से वहाँ से भी काफ़ी दूर जो एमएम अली के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते से बिल्कुल लग कर जो है यहाँ पर मित्तल ग्राउंड के पास जो है यहीं पर जो बनाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है, जो हॉकर्स है उनका कहना है कि शहर से इतने दूर कौन खरीदी करने के लिए आएगा, इसीलिए जो है जिस तरह से राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में भी एक एक करके फिर दोबारा लोग जो है रोड पर जाकर धंधा लगाना शुरू कर दिए, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ये मार्केट बनाकर यहाँ पर टेम्प्ररी बेस पर दी भी जाती है, अगर लोग इसमें खरीदी करने नहीं आएंगे तो फिर वही मामला होगा, एक एक करके सभी हॉकर्स यहाँ से दोबारा रोड पर चले जाएंगे। बहरहाल इसी तरह से मुमरा के एमएम अली स्टेडियम के पास भी सिटी इंजीनियर रविंद्र खड़ताले से जो है महिला नगर सेविकाएं जो है उन्होंने मांग की कि फुटबॉल ग्राउंड जो वहां पर 5 एकड़ में था, बजट कम होने की वजह से मनपा में, तो इस साल जो है एक एकड़ में वहां पर जो है बाउंड्री मार के और वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था की जाए और चेंजिंग रूम बनाया जाए, वॉचमैन बिठाया जाए, जो प्लेग्राउंड है वो तैयार करके दी जाए। और रविंद्र खड़ताले ने इस पर ध्यान देते हुए भी कहा है कि जल्द ही जो हॉकर्स जोन है ये टेम्प्रोरी हॉकर्स जोन जो यहाँ पर दिया जा रहा है ये, और उस पर भी जल्द ही जो है ये काम उन्हें करके पूरा दिया जाएगा। इस पूरे मामले में हमने बात की है सिटी इंजीनियर रविंद्र खड़ताले से और शानू पठान और शमीम खान से और नगर सेविकाओं से भी बातचीत की है, क्या इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है सुनिए। रविंद्र जी, आप आए थे आज, जो हॉकर्स का मामला है उनको हॉकर्स के लिए मार्केट दिया जा रहा है, और जो महिलाओं का यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड है, दोनों के बारे में क्या पूरी जानकारी? देखिए, सम्माननीय विरोधी पक्ष नेता इन्होंने कहा है कि अभी अगले महीने से हमारा रमजान का पवित्र महीना चालू हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को जो हॉकर जोन है वो टेम्पररी उधर हॉकर्स के लिए बैठने के लिए जगह मांगती है, तो उधर से उधर वो मैदान के लिए कुछ मिट्टी वगैरह डाल के लेवल करके हमको वो मैदान दे दो। अगर वो मैदान ताबे में नहीं मिलता है तो अपना बाजू में जो मित्तल का जो रास्ता सीसी रास्ता चालू है उधर पर्याय व्यवस्था कर दो, तो दोनों भी हम लोगों ने मान्य किया है और हम लोग वैसे प्रोविजन करने वाले। कब तक ये मार्केट मिल जाएगा तैयार होकर? नहीं, मार्केट तो अभी फिलहाल जो मार्केट की जगह है ना, वो मार्केट की जगह जो हमारा हज हाउस है उसके बाजू में, वो अभी फाइनल शहर विकास में विकास के तरफ से हमारे को हैंड ओवर करना बाकी है, वो प्रोसेस में है, जैसे फाइनल होते हैं हम लोग और हमारे पास सब इस्टीमेट वगैरह रेडी है
वो करेंगे। अभी विरोधी पक्ष नेता माननीय सभा अध्यक्ष मुमरा प्रभाग समिति क्या उन्होंने बताया कि यहाँ महिला के लिए कुछ फुटबॉल मैच अपने को चाहिए, तो विरोधी पक्ष नेता ने बोला है कि वो जो 25 एकड़ की जगह है उसमें से हम लोगों को 1 एकड़ की जगह उधर मट्टी वगैरह डाल के दे दो, थोड़ा बंदोबस्त करो, चेंजिंग रूम वगैरह करके दे दो। तो उन्होंने जैसी प्रोविजन की है तो हम लोग उसके ऊपर एस्टिमेट करके आगे का माननीय आयुक्त महोदय की मंजूरी लेके प्रोसेस करेंगे। शालू भाई, जो हॉकर्स का तमाम मुद्दा चल रहा था, इस तरह से आपने हॉकर्स को लेकर मीटिंग भी रखी थी, अब जो है मार्केट उन्हें रमजान से पहले ही देने की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा कितनी जगह में मार्केट दिया जाएगा उनको, और क्या जो मित्तल के अलावा जो रोड पे लगा रहे उन्हें भी उसमें शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, माननीय जितेंद्र रावत साहब के आदेश पर जो मुख्य रोड है उसको रास्ता रुंदी कर करके हाल ही में बड़ा कर दिया गया, लेकिन उस पर दो बड़ी समस्या है। हम इस सभी नगर सेवकों की चर्चा के बाद दो बड़ी समस्या, एक हमारा हॉकर्स, दूसरा हमारा पार्किंग। जो लोग बोलते हैं, कभी हमारे मुँह से निकलता है, कभी लोगों के मुँह से निकलता है, इनलीगल हॉकर्स और इनलीगल पार्किंग। ना ही कोई इनलीगल हॉकर्स है, ना ही कोई इनलीगल पार्किंग है। जब तक हम किसी को सुविधा देते नहीं तो हम इसे इनलीगल कैसे कह सकते हैं? इसीलिए अगर इनलीगल की बात है तो जिस शहर में हम रहते हैं वो भी इनलीगल का एक जोर 92 का बना हुआ शहर है, तो ऐसी बातें करना मैं उचित नहीं समझता। इसीलिए हम इस सभी नगर सेवक प्रभाग समिति अध्यक्ष मैडम, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान जी और सभी लोगों ने एक विचार करा और सिटी इंजीनियर और कमिश्नर साहब से स्टैंडिंग में और सभागृह में कई बार मांगने के बाद उनको आज सर्वे के लिए बुलाया और उनको बताया कि हमारे पास हॉकर्स के लिए एक जगह है, वो हमको अलॉट कर दिया जाए, ताबड़तोब ताबा दे दिया जाए बाउंड्री वॉल मारा के, नहीं तो हमको मुख्य जो रोड पे हॉकर्स बैठे उनको रमजान में कहाँ शिफ्ट करा जाए, और कुछ हॉकर्स को दिया किधर जाए जगह पूरी सुविधा के साथ, वो जगह दी जाए और साथ ही में एक महिलाओं के लिए मैदान दिया जाए। इस पे दोनों चीज़ों पे एक उन्होंने सर्वे किया जिस पे उन्होंने ये कहा कि हम जो मैदान पोजिशन में लेके शहर विकास से मंजूरी कमिश्नर को देके आपको तुरंत रमज़ान तक देने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हम दे पाए तो आपको जो हम रास्ता बना रहे मित्तल रूट का UTWT वो हम आपको और बड़ा करके उस तरफ का जो मित्तल मेन रोड से उस तरफ का रास्ता बना के 5 तारीख तक हॉकर्स के लिए आपको बैठने के लिए दे देंगे। इस रोड पे हॉकर्स बैठने से हमारे मुमरा कौसा का मुख्य रोड फ्री ट्रैफिक जोन हो जाता है, ट्रैफिक फ्री मुमरा कौसा हो जाएगा। उसी के साथ हम बाजू में उनको टेम्परवरी पार्किंग भी दे सकते हैं। अब हम शहर के हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय जितेंद्र रावत साहब मिनिस्टर, हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष मैडम, हाँ, और हमारे सभी नगर सेवक और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज हम निभा रहे हैं। हम तात्पुरता जो है हॉकर्स को यहाँ पे रोड पे जगह दे देंगे, जो हम ये जो 30 मीटर का रोड है सभी सुविधा के साथ। अब हॉकर्स की जिम्मेदारी है कि वो आके यहाँ बैठे और मुमरा कौसा के मुख्य रोड को फ्री कर दे, और ये ना कहें कि उनके बारे में किसी ने देखा और सोचा नहीं। साथ ही में फातिमा बी सावित्रीबाई फुले ये मैदान स्पोर्ट्स ग्राउंड ये उनके नाम से माननीय मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे और ये NGO लोग संभालते परचम, इनको 1 एकड़ में आज हमारी सभी महिला कॉरपोरेटर की मांगनी थी कि उनको 1 एकड़ में यहाँ पे मिट्टी डाल के और चेंजिंग रूम बना के, टॉयलेट बाथरूम बना के सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ दी जाए, इसके ऊपर मांगनी मैंने 2 बार प्रश्न उपस्थित किया था, आज उसका भी सर्वे किया गया और 1 एकड़ तुरंत टिप्पणी बना के हैंड ओवर करने की मांगनी कमिश्नर साहब को, ये जो है मांगनी कमिश्नर साहब तक शहर विकास में हमारे करते रहे साहब सिटी इंजीनियर वो सबमिट कर देंगे, आगे का फॉलो करके जल्द से जल्द स्पोर्ट्स ग्राउंड महिलाओं के लिए दे दी जाएगा। शमीम भाई, जो हॉकर जोन अभी दिया जा रहा है फिलहाल, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये टेम्पररी ये भी दिया जा रहा है, तो क्या लीगल मिलेगा कभी हॉकरों को? देखिए, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के आदेश के अनुसार आज हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे भाई शानू अस्तर पठान, हमारी प्रभाग समिति चेयरमैन भाभी और हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएं, हम लोगों ने एक दौरा किया जिसमें खड़ताले साहब और गोसावी साहब और तमाम आला अधिकारी यहां मौजूद थे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि हॉकर्स मार्केट लीगल के ताल्लुक से, तो हम बताना चाहते हैं कि मित्तल साहब का जो जगह है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है कि वहाँ पर कुछ एकड़ जगह जो रिजर्वेशन है हॉकर्स के लिए, मैं मेरे नेता से कुछ ही दिनों के पहले बात किया था कि उन्हें लीगलाइज करके वहाँ पे शिफ्ट किया जाए एक हॉकर्स मार्केट बना करके, जिस पे उन्होंने कहा और हमारे विरोधी पक्ष नेता ने भी बात किया है उस ताल्लुक से, बहुत जल्द जो है
हॉकर्स मार्केट बनाया जाएगा लीगल तरीके से, लेकिन अगर वहाँ देरी होती है तो गोसावी साहब ने ये आज वादा किया है कि मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्योंकि देखिए 14 अप्रैल से शायद रमज़ान है इंशाल्लाह ताला, उसके पहले ही वो टेम्परेरी बना करके दे देंगे। तो कोशिश पूरी ये की जाएगी कि लीगल तरीके का हॉकर्स जोन बना करके उनके हवाले किया जाए। देखिए कर्तव्य साहब ने अभी ये बोला है कि यहाँ एक एकड़ पर जो मैदान बनाने वाले है उस पर 2 टॉयलेट, 2 चेंजिंग रूम और 1 सिक्योरिटी गार्ड का केबिन ये सब बना के देने वाले हैं। तो वो बोले कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द वो बना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए आप तो देख ही रहे हैं कि जब से राष्ट्रवादी पार्टी एक होकर यहाँ पर आई है तब से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम हो गया है। मुमरा कौसा में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब रहा मुमरा का जो ख़ास मसला है वो जो है एक हॉकर्स का है और पार्किंग का है। अब उस पर भी हमारे लाडले मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ने, जो हमारे मुमरा का ही विरोधी पक्ष नेता है शानू पठान साहब, इनके साथ बैठकर तमाम नगर सेवकों को लेकर एक मीटिंग की थी जिसमें ये तय पाया था कि अब इस पर क्या हल निकाला जाए। तो हॉकर्स के लिए जो है हॉकर्स का ऑलरेडी एक मतलब जोन तय किया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ताबे में आया नहीं है किसी वजूहत की वजह से। तो अभी हमारा जो हज हाउस की जो जगह थी वहाँ पर जो है ये अभी फ़िलहाल शिफ्ट किया जाएगा टेम्पररी बेस पे। और अगर फिर भी अगर वो नहीं मानेंगे हॉकर्स लोग, तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको जो अभी अपना नया रास्ता बना है कॉन्क्रीट का, मित्तल का, उसकी एक तरफ की पूरी लाइन में उनको फिलहाल टेम्पररी शिफ्ट करेंगे, परमानेंट नहीं। परमानेंट जो है वो हॉकर्स जोन जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो उनको वहीं पर शिफ्टिंग दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि अभी जो पार्किंग के लिए भी एक हमने जो जोन फिक्स किया है, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब उसकी भी ओपनिंग होगी। इसी तरीके से तमाम काम होते ही रहते, लेकिन यहाँ पर आज हम खास करके महिलाएं जो है हमारे लाडले डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं और हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आज उन्होंने कुछ साल पहले हमें जो आवाड़ साहब ने एक सपना बताया था ये परचम के माध्यम से, यानी ये संस्था उस प्लॉट को जो है देख रेख वहाँ पे कर रही है और टेम्पररी बेस पे यहाँ पे जो है क्रिकेट का एक मैदान ऐसा बन, ये उसका फुटबॉल नहीं, महिलाओं के लिए फुटबॉल का जो है एक वहाँ पे ग्राउंड बनाया गया था टेम्पररी बेस पे पहले, जिसकी वो देख रेख करती थी। कुछ मैचेस भी वहाँ पे उन्होंने अरेंज किया था, लेकिन क्या है कि ये ओपन प्लॉट होने की वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हम सभी महिलाओं ने शानू पठान साहब के पास और हमारे लाडले डॉक्टर जितेंद्र साहब के पास हमने उसकी मांग की कि हमें यहाँ पर जो है कम से कम, अभी वो 5 एकड़ का है लेकिन 5 एकड़ अभी बहुत बड़ा होता है तो उतनी वॉल कंपाउंड वगैरह का बजट नहीं अभी फिलहाल ये कोविड केस में सेंक्शन हो सकता है, तो टेम्पररी यानी कम से कम हमको 1 एकड़ में तभी 2 टॉयलेट, चेंजिंग रूम और सिक्योरिटी वगैरह के साथ में हम लोगों को ये प्लॉट ताबे में दिया जाए। तो उन्होंने हमारे से आज वादा किया है कि ये 1 महीने के अंदर ही इंशाल्लाह हमको दे देंगे।